अच्छा हुआ जो इसका अंत ऐसे नहीं हुआ, अन्यथा मैं प्रभु गणेश जी का वाहन बनने का अवसर खो देता। अभी तो इसके मनोबल पर आघात कर उसे तोड़ना ही पर्याप्त होगा। छलिया मुझसे कहीं अधिक बलशाली है, मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित, मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। छलिया मुझसे कहीं अधिक बलशाली है, मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित। अति उत्तम छलिया। उससे कई अधिक बलशाली है, मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित। छलिया ने जो कहा उससे विचलित होने का कोई कारण नहीं मूषक जी। इस प्रतियोगिता में छलिया के साथ इस संघर्ष में आप अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। समाचार लाई हो मकड़ राक्षसी। छलिया आपकी युक्ति के अनुसार चलकर मुष्कासुर के मनोबल पर निरंतर आघात कर रहा है, वो अवश्य सफल होगा। अर्थात कल के सूर्योदय के साथ गणेश वाहन रहित होंगे और मैं मृत्यु रहे। अनंत काल तक जीवन के सुख भोगेगा ये क्रूरासुर। अनुज गणेश, तुमने ये दूसरा आसन किसके लिए बनवाया है ये तो हमें बताया ही नहीं। भ्राता, प्रत्येक प्राणी के जीवन में सम्मान का बड़ा महत्व होता है। हर कोई चाहता है उसे सम्मान मिले, और फिर सम्मान देने से ही तो हमें भी दूसरों से सम्मान मिलता है। अतः हमें अपने जीवन में प्रत्येक छोटे अथवा बड़े सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए, और इसीलिए ये आसन तो मेरे प्रिय वाहन मूषक जी का है। जो आज प्रतियोगिता में सफल होकर अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा, ये सम्मान उसी का होगा, है ना प्रभु? किंतु कदाचित किसी प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता ही नहीं। मूषक तो यहाँ से पहले से ही नदारद है, अर्थात उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। मूषक जी, आप कहाँ हैं? सामने आइए। हाँ मूषक जी,
तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल, जो रखा वो अब नहीं है, जो सब खत्म पड़ गया है, सब भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में, मेरा सामना करने में। अब और कितनी प्रतीक्षा करें प्रभु, इस स्पर्धा का अंत तो आरंभ होने से पहले ही हो गया। आप कृपा कर मुझे विजेता घोषित करें, जिससे हम आपकी पूजा आरंभ कर सके। मूषक जी कहाँ हैं आप? इस प्रकार प्रतियोगिता से विमुख हो जाना ये आपको शोभा नहीं देता है। आइए सबके समक्ष और प्रतियोगिता में भाग लीजिए। मूषक जी सामने आइए। मूषक जी मत कीजिए। मूषक जी कहाँ हैं आप? नहीं कर सकते हैं आप। सामने आइए मूषक जी। मूषक जी कहाँ हैं आप? मूषक जी आज आपको प्रतियोगिता का सामना करना है, आइए कहाँ हैं आप? मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु आज इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे ना आप? मूषक जी संघर्ष के बिना सफलता का आनंद कहाँ आता है? ये आपका संघर्ष है, इसमें मैं आपका हाथ थाम लूंगा तो फिर ये आपकी सफलता कैसे होगी? ये तो आपको स्वयं करना होगा। स्मरण रखिए, शंकाओं के मेघ छट जाते हैं यदि मन में विश्वास का सूर्य दमक उठे तो, और आप समर्थ हैं, कुशल हैं, उचित हैं, तो आप स्वयं पर विश्वास कीजिए, फिर मुझे विश्वास है कि आप अवश्य विजयी होंगे। मूषक जी कहाँ हैं आप? सामने आइए मूषक जी, मत कीजिए। क्या मुझे ही स्वयं को विजेता घोषित करना होगा? मूषक जी कहाँ हैं आप? मूषक जी विलंब मत कीजिए। मूषक जी कहाँ हैं आप? प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। आ तो गए हो मित्र, किंतु आज बच नहीं सकोगे। छलिया ने जो कहा उससे विचलित होने का कोई कारण नहीं मूषक जी, इस प्रतियोगिता में छलिया के साथ इस संघर्ष में आप अवश्य सफल होंगे। वाह छलिया, मुझे आने में थोड़ा विलंब क्या हो गया? तुम तो स्वयं को विजेता घोषित करने लगे, बिना प्रतियोगिता लड़े ही जीतना चाहते हो। कदाचित तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास जैसा शब्द तुम्हारे मुख से अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे मुख से तो वही भय ईर्ष्या वाले शब्द अच्छे लगते हैं। भयभीत हो गए थे ना मुझसे, इसलिए आने में इतना विलंब हो गया है ना? क्यों? ना छलिया ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मित्र थे मेरे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी अंतिम श्वासों का आनंद लेने देना चाहता था। तुम कुछ भी कह लो उसका कोई सार नहीं है, क्योंकि सत्य यह है कि गणेश जी का वाहन बने रहने का अंतिम सुख तुम भोगना चाह रहे थे। इसलिए तुम्हें विलंब हो गया। सत्य तो यह है कि तुम्हें भय सता रहा है कि तुम उनसे दूर जा रहे हो और मैं उनके पास आ रहा हूं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ये तुमने सत्य कहा छलिया। एक भक्त के लिए अपने भगवान से दूर होने का भय स्वाभाविक है, मेरे लिए इनका वाहन बनके इनकी सेवा करना किसी प्रतियोगिता का भाग नहीं है, वो तो मेरा इनके प्रति श्रद्धा और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। किंतु आज मुझे इनसे दूर होने का भय कदापि नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है तुम जैसा छलिया
मेरा स्थान कभी नहीं ले सकता। शब्दों के इस आरंभिक संघर्ष में मूषक जी कहीं आगे रहे। प्रभु, कौन आगे है कौन पीछे है ये तो प्रतियोगिता आरंभ होते ही पता चल जाएगा। ऐसे कुछ बोल देने से कोई विजेता नहीं बन जाता। तो बोलना बंद कीजिए और प्रतियोगिता आरंभ कीजिए। इस प्रतियोगिता के दोनों प्रतिभागी को समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रतियोगिता को चार भागों में बांटा जा रहा है, जिनमें से दो भाग छलिया अपनी योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर निर्धारित करेंगे और दो भाग मूषक जी। फिर जो भी इस प्रतियोगिता में विजयी होगा वो आज के बाद मेरा वाहन बनेगा। तो चलिए आरंभ कीजिए। आरंभ हो अंत, विजय तो मेरी ही होगी। गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं नहीं, इसके किसी भी शब्द का स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं होने दूंगा। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस प्रतियोगिता में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकूं। नहीं 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 नहीं, ये तो पक्षपात हो जाएगा प्रभु। वैसे मूषकासुर से विजय प्राप्त करने के लिए मुझे किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पक्ष लेना है तो दोनों का लीजिए, आशीर्वाद देना है तो दोनों को दीजिए, है प्रभु? उचित है, मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। जो अधिक योग्य हो विजय उसी की हो। इस प्रतियोगिता के लिए तुम ही अधिक आतुर हो छलिया, तो अपनी योग्यता के आधार पर तुम ही इसके प्रथम भाग को नियत करो। गति प्रभु, गति, गति दिखाकर मूषकासुर ने मुझे गति विहीन किया था, तो आज मैं उसे अपनी तीव्र गति का परिचय दूंगा और उसी गति से पराजित करूंगा। प्रभु, प्रतियोगिता के इस भाग के लिए मुझे एक पथरीले स्थान की आवश्यकता है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मूषकासुर, दिखाओ अपनी योग्यता, करो मेरी गति का सामना। यही चाहते थे ना तुम छलिया? तो ये लो। इतनी गति, इतनी स्फूर्ति कहां से प्राप्त की इसने? क्या हुआ मूषकासुर, मेरी गति से अचंभित हो गए क्या? तो चलो अब भय भी करो मुझसे, ये देखो। Ah!
और गति, दोनों में तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते मूषक राज। दोनों में तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते मूषक राज। क्यों प्रयत्न कर रहे हो? ये नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों प्रयत्न कर रहे हो? ये नहीं हो सकती। व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। ये दोनों तो थक रहे हैं, कहीं थकान के कारण छलिया पराजित ना हो जाए। तुम मेरे समान शिलाओं का भार नहीं उठा सकोगे, नहीं उनको मुझ पर फेंक कर मुझ पर वार कर सकोगे, नहीं कर सकोगे तुम, नहीं कर सकोगे तुम। तुम मेरे समान शिलाओं का भार नहीं उठा सकोगे, नहीं उनको मुझ पर फेंक कर मुझ पर वार कर सकोगे, नहीं कर सकोगे तुम, नहीं कर सकोगे तुम। ये छलिया कर क्या रहा है? जैसा नाम वैसा काम। छलिया छल के सिवा और कर भी क्या सकता है? कुशक जी ना तो वार कर पा रहे हैं और ना ही भार के कारण अपना स्थान बदल पा रहे हैं। छलिया नाम है मेरा, छलना काम है मेरा। आनंद आ गया। अरे विजय हुआ हूं मैं, स्वीकार कीजिए आप सब। गणेश जी, मैं विजय हुआ। नहीं छलिया, ये तुमने कदापि उचित नहीं किया। ये प्रतियोगिता बल की नहीं थी, अपितु गति एवं स्फूर्ति की थी ना, और तुमने छल से मूषक जी को भारी शिला उठाने पर विवश कर उनकी गति को ही बांध दिया। ये सर्वथा अनुचित किया है तुमने। किंतु भ्राता, मूषक जी को उसके छल में नहीं उलझना चाहिए था। किसी के छल में आना तो अपनी बुद्धि को खो देने के समान है, और विजय का आधार तो बुद्धि ही होती है। इसलिए जो दूसरों की नहीं अपितु स्वयं की बुद्धि के अनुसार चलता है, वही सफल होता है।
अतः प्रतियोगिता के इस भाग के विजेता तो छलिया ही हैं। उचित है अनुज गणेश। देखा देखा तुमने, मेरे सामने नहीं टिक सकते तुम। देखो स्वयं तुम्हारे प्रिय प्रभु ने मुझे विजयी घोषित किया है। विजय का अहंकार और पराजय की निराशा दोनों ही घातक हैं, क्योंकि अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है और निराशा मनोबल तोड़ती है। किंतु जब तक आस है तब तक श्वास है, और जब तक श्वास है तब तक प्रतियोगिता है। और अभी ये प्रतियोगिता संपन्न कहाँ हुई, अभी तो इसके तीन और भाग शेष हैं। नियमानुसार अब प्रतियोगिता के इस भाग का चुनाव मूषक जी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। तो कहिए मूषक जी, अपने किस शक्ति को इस भाग का आधार बनाएंगे आप? प्रभु, एक भक्त के लिए उसके भगवान की भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए प्रतियोगिता के इस भाग में हमारी भक्ति की ही परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आपका वाहन बनने योग्य तो वही है जो आपका परम भक्त है। प्रभु, मूषक आपका वाहन है तो उसके प्रति आपका मोह आपके पक्षपात का कारण बन सकता है, इसलिए प्रतियोगिता के इस भाग का निर्णय आप करेंगे तो अनुचित होगा। प्रभु, ये निर्णय तो यहाँ उपस्थित सभी पर छोड़ दीजिए, वो ही बताए कि कौन है बड़ा भक्त। उचित है, मुझे स्वीकार है, आरंभ कीजिए। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम कण गणपते नमः। 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 ओम कण गणपते। मूषक जी, इस प्रकार खड़े मत रहिए, आप भी कुछ करिए। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल, जो भी था वो अब नहीं है, सब क्षण पड़ गया है, भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। हाँ मूषक जी, कुछ करिए। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। इतना कष्ट उठा रहा है छलिया, तो स्पष्ट है भक्ति की शक्ति की परीक्षा में भी वो ही आगे होगा। ओम गण गणपते नमः। क्रूरासुर जी यहाँ होते तो ये देखकर बहुत आनंदित होते। ओम गण गणपतये नमः। 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 प्रणाम प्रभु। प्रणम्यम शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं मायुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च
एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञयः पठेन्नरः न चाभिघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो मैं इतने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण किया मैंने कि अब तो मेरे मुख से कोई स्वर भी नहीं निकल रहा है। अद्भुत है मूषक जी, सर्वथा अद्भुत है इनकी भक्ति। कितने प्रेम श्रद्धा और समर्पण भाव से पूजा की है। मन भाव विभोर हो गया, आनंद आ गया मूषक जी। ये क्या कह रहे हैं आप सभी, ये तो पक्षपात है। अपने दांत मैंने आग किए, इतने कठिन आसन में खड़ा हुआ लहूलुहान मैं हुआ, सभी कष्ट मैंने सहे, और आपको इस पे भक्ति दिखाई दे रही है, इसने किया ही क्या है? प्रभु ये सत्य है, मैं छलिया के समान कष्ट सहकर तप नहीं कर सका, किंतु ये भी सत्य है कि मैं अपनी भक्ति को एक प्रतियोगिता के रूप में नहीं देखता, क्योंकि आपका नाम लेना आपकी पूजा करना ही मेरे लिए भक्ति है, वो किसी प्रतियोगिता में स्वयं को प्रमाणित करने का उपाय नहीं। गणपति भक्त मूषक की जय, परम भक्त मूषक जी की जय, भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। ये भक्त शिरोमणि है तो मैंने जो किया वो व्यर्थ है क्या? भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अपना मनोबल नहीं गिरने देते और निरंतर संघर्षरत रहते हैं, वही सफलता पाने के अधिकारी होते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।